वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, मेरे हाथ में है एक अमेरिकन विस्की और इसका नाम है जैक डेनियल। देखिए, मेरा टी शर्ट भी जैक डेनियल ही है ना। अच्छा, जैक डेनियल को हम लोग पुकारते हैं टेनेसी विस्की बोलकर। कभी आपने नोटिस किया है? तो ये देखिए लिखा है ओल्ड नंबर 7 और यहाँ पर देखिए लिखा है टेनेसी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, क्या आपको मालूम है? अच्छा, ये अमेरिका में बनता है, इसका मतलब ये तो होना चाहिए था कि ये बर्बन विस्की कहलाए, क्योंकि हम लोग जो विस्की ड्रिंकर हैं जानते हैं कि अमेरिका में जो विस्की बनते हैं उसको बर्बन विस्की कहा जाता है। बट इस पर्टिकुलर विस्की को बर्बन क्यों नहीं बोला जाता है, इसको क्यों कहा जाता है टेनेसी विस्की, आज यही जानेंगे इस वीडियो के जरिए। तो बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप बार्टेंडिंग सीखना चाहते हैं? तो आ जाइए कोलकाता एंड ज्वाइन माय स्कूल द स्पिरिट विद्यालय। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि जैक डेनियल को हम लोग टेनेसी क्यों बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे अमेरिका में जितनी भी हुस्कीज बनते हैं उनमें से कुछ हुस्कीज को हम लोग बोलते हैं बर्बन हुस्की और उनमें से कुछ हुस्कीज है जिसको हम लोग बोलते हैं टेनेसी हुस्की और ये टेनेसी के अंडर में आते हैं। टेनेसी मतलब एक स्पेसिफिक रूल को पालन करते हुए एक हुस्की को बनाना, वैसे ही कुछ है जैसे कि बर्बन हुस्कीज। अमेरिका में जितने भी हुस्कीज बनते हैं सबको हम लोग बर्बन नहीं बोल सकते हैं, कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करके अमेरिका में अगर कोई हुस्की बनता है तब जाके उसको जैसे हम लोग बर्बन बोलते हैं वैसे कुछ है टेनेसी हुस्की। पहले जानेंगे टेनेसी मतलब क्या है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है टेनेसी और वहाँ पर ल्यूचबर्ग बोलकर एक जगह है जहाँ पर बनते हैं ये जैक डेनियल हुस्की और वो जो टेनेसी है उसी से इसका नामकरण किया गया है। बट क्या कोई भी ब्रांड अपनी ब्रांड के ऊपर टेनेसी लिख सकता है? जी नहीं, उसको हर एक रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो बर्बन से टेनेसी का क्या बेसिक डिफरेंस है वो पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू बर्बन विस्की अगर आप बर्बन बनाना चाहेंगे तो जो रूल है उसको फॉलो करने के बाद उसमें आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। बट अगर जैक डेनियल का टेनेसी का बात करूं तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट के कारण आज इसको हम लोग टेनेसी नाम से पुकारते हैं या टेनेसी कैटेगरी में आते हैं। क्या है वो ट्विस्ट? देखिए, बर्बन विस्की बन जाने के बाद जो रूल है उसको फॉलो करने के बाद जैक डेनियल क्या करता है, अपनी विस्की को स्पेशल कैरेक्टर देने के लिए शुगर मैपल जो चारकोल है उससे इस विस्की को पास करते हैं, मतलब फिल्टर करते हैं। मतलब विस्की जैसे बनते हैं मैच्योर करने से पहले उसको मैपल चारकोल के थ्रू पास किए जाते हैं। उससे होता क्या है, ये एक्स्ट्रा स्टेप विस्की को कॉम्प्लेक्स, स्मूथ एंड फ्लेवर प्रोफाइल काफी सारे ऐड करते हैं। तो ये जो काम जैक डेनियल ने कर लिया इसके कारण ये और बर्बन नहीं रहे, इसको फिर लिखना पड़ा टेनेसी। बट मैं आपको बता दूं कि टेनेसी स्टेट में जो विस्की बनाने का लॉ है उसको फॉलो करके ही बनाने पड़ेंगे तब जाके वो टेनेसी बनेगा। मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिंपल सा बात बोल दूं कि कोई भी बर्बन विस्की से जैक डेनियल का यही फर्क है कि इस पर्टिकुलर विस्की को फिल्टर किया गया है मैच्यूरेशन से पहले मैपल चारकोल से एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेनेसी विस्की। तो ये मैपल चारकोल फिल्ट्रेशन क्या है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जब विस्की बन जाते हैं मतलब डिस्टिल्ड हो जाते हैं तो उसके बाद उस पर्टिकुलर विस्की को मैपल ट्री है ना उसको इकट्ठा करके जलाते हैं और जलाने के बाद उसको चारकोल में कन्वर्ट करते हैं और वो चारकोल को एक 10 फीट लॉन्ग कुएं में डाल के ठूस ठूस के डाल के रखते हैं और ऊपर में देखिएगा कुएं के ऊपर में कुछ पाइपलाइंस है जहाँ पर ये जो विस्की है जो ऑलरेडी डिस्टिल्ड हो चुकी है वहाँ से पास करते हैं और ड्रॉप ड्रॉप करके वो जो चारकोल का जो कुआं है वहाँ पर टपक टपक करके गिरते हैं और वो जो कुआं से वो चलते हुए नीचे जब आते हैं तब एक क्रिस्टल क्लियर
विस्की मिलते हैं। हालांकि तब ये विस्की का ऐसा कलर नहीं रहता है, ये तो वुडन बैरल में डालने के बाद होते हैं, तो क्रिस्टल क्लियर, और वो और भी क्लियर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मैपिंग चारकोल। इसको बोलते हैं चारकोल फिल्टरेशन। और इससे जैसे कि मैंने आपको बताया कि विस्की में दो कैरेक्टर ऐड होते हैं, जैसे कि स्मूथनेस बहुत अच्छी हो जाती है एंड साथ साथ काफी वर्सेटाइल भी हो जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि टेनेसी में जितने भी विस्की ब्रांड है, क्या अपने ब्रांड के ऊपर टेनेसी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग के बारे में तब ना लिखेंगे। जी नहीं, टेनेसी लिखने से पहले आपको उन स्टेट का जो विस्की लॉ है उसको फॉलो करने पड़ेंगे, और उस विस्की लॉ का नाम है लिंकन काउंटी प्रोसेस। ये प्रोसेस को फॉलो करने पड़ेंगे, और ये प्रोसेस अगर समझाने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये प्रोसेस के बारे में जानना है और भी डिटेल से जानना है जैक डेनियल के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, फिर बनाते हैं ना बड़ा सा वीडियो अच्छी तरीके समझा के। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि ये है टेनेसी विस्की, और ये डिस्टिंग्विश करते हैं बर्बन से सिर्फ एक ही कारण से, और वो है मैपल चारकोल फिल्टरेशन। सो ये था आज का वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तब जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार, बहुत दुख लगता है लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत दुख लगता है, प्लीज़ कर दो। चलो मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।